नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका हाउस यूट्यूब चैनल। मैं करण, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने नई वीडियो में। आज देख रहे हैं आपके लिए सेक्टर 12 में हाईलैंड अपार्टमेंट में 3 बेडरूम का फ्लैट होने वाला। अच्छा बड़ा साइज का फ्लैट है। सोसाइटी में 4 बेडरूम का FAR अप्रूव्ड हो चुका है, तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए इन फ्यूचर ये 4 बेडरूम होने वाला है। फिलहाल अभी ये 3 बेडरूम है और 3 बेडरूम का हम आपको आज गो थ्रू कराने हैं। सेक्टर 12 का लोकेशन पे सोसाइटी है, लोकेशन अच्छा है पर्टिकुलर सोसाइटी का। मेट्रो मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऑल द थिंग्स आपको 500-700 मीटर के आसपास में मिल जाते हैं। ऑल दो सारी चीज़ें आपको इसमें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाती है। पर्टिकुलर फ्लैट में अच्छे धूप आती है, अच्छे डेकोरेशन का है। और आई गो थ्रू कर तो दोस्तों ये हो जाता है लॉबी स्पेस आपका। अभी सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। सामने लिफ्ट केस मिल जाता है, दैट्स योर लिफ्ट केस ओवर देयर। आपको लिफ्ट केस मिल जाता है एक आपका। सोसाइटी में फिलहाल अभी मेंटेनेंस पे चल रहा है, आप देख सकते हैं सोसाइटी में सारा का सारा काम चल रहा है। हम करते हैं अपने फ्लैट में एंटर, तो एंटर करते ही आपको डायरेक्टली लिविंग एंड स्पेस, उससे उस लेफ्ट हैंड पे आता है एक बेडरूम और आपका कॉमन वॉशरूम, जिसको हम करते हैं बाद में गो थ्रू। दैट्स योर लिविंग डाइनिंग स्पेस। काफ़ी अच्छा एल शेप में लिविंग डाइनिंग स्पेस मिलता है, अच्छे बड़े साइज का फ्लैट मिल जाता है आपको। ये अच्छा रोशनी है, अभी भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रोशनी है फ्लैट में। इस तरीके का कुछ आपको काम मिलता है, कंसिडर आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको नीचे पत्थर का काम मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। साइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे साइज का फ्लैट हो जाता है। दैट्स योर लिविंग स्पेस। इस तरीके का कुछ लिविंग स्पेस मिलता है, यहाँ पर आपको डाइनिंग स्पेस आ जाता है। इस तरीके का डाइनिंग स्पेस मिलता है, दैट्स योर किचन स्पेस। किचन स्पेस में आप साइज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का आपको साइज मिल जाता है। ये कुछ आपको साइज मिल जाता है प्रॉपरली देख सकते हैं, अच्छा खासा इसमें साइज मिलता है। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन भी मिल जाता है, दैट्स योर डाइनिंग स्पेस। अब आते हैं इसके एक बड़ी बालकनी की तरफ। यहाँ पर मिलती है आपको एक बड़ी बालकनी स्पेस, दैट्स योर बड़ी बालकनी का स्पेस है। इसमें आपको धूप मिलने वाली है ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे के आसपास की, इसमें आपको धूप मिलती है, मतलब जाते हुए सूरज की धूप इसमें आपको मिल जाती है। बट रूम्स में और लिविंग स्पेस में, तीनों रूम्स में आपको धूप इसमें आपको ऑलमोस्ट सुबह से लेकर शाम तक की मिलने वाली है। तो अब आते हैं अपने, 2 बेडरूम्स हमारे यहाँ पर हैं, 1 बेडरूम हमारा वहाँ पर, तो आइए गो थ्रू करते हैं। दैट्स योर कॉमन वॉशरूम एरिया। कुछ इस तरीके का साइज मिल जाता है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का साइज मिल जाता है। काम सारा पुराना है, बट इसमें आपको साइज देख सकते हैं, इस तरीके का साइज मिलता है। दैट्स योर फर्स्ट बेडरूम एरिया, बालकनी कवर किया हुआ है। इसमें आप चाहें तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। दैट्स योर बेडरूम साइज, काफ़ी अच्छा बेडरूम साइज मिल जाता है। ये ईस्ट टू वेस्ट के बीच में पड़ता है, तो इसमें आपको पर्टिकुलर बालकनी में अच्छी खासी धूप इसमें आपको मिल जाती है। रूम साइज अच्छा है। अब आते हैं अपने और बेडरूम्स की तरफ। दैट्स योर सेकेंड बेडरूम एरिया। इसमें आपको बालकनी मिलती है जो कि कवर कर ली गई है। अटैच वॉशरूम मिलता है जो कि दूसरे रूम से भी अटैच मिलने वाला है। कुछ इस तरीके का रूम साइज है, रूम साइज ऑलमोस्ट 12x13 है, 12x12 के आसपास का आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मिलता है आपको आपका बालकनी स्पेस, जहाँ जो कि कवर कर लिया गया है। यहाँ से आपको सामने पार्क फेसिंग मिलता है, दैट्स योर पार्क, सेक्टर 18 का पार्क मिलता है सामने। सोसाइटी का कुछ इस तरीके से भी मिलने वाला है। इस वाले वॉशरूम का मैं आपको उस वाले बेडरूम की तरफ से दिखाता हूँ एक बार। बेडरूम साइज इसका आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अब आते हैं इसके लास्ट बेडरूम एरिया पे, दैट इज द लास्ट बेडरूम एरिया। और इसमें आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है, कुछ ही अटैच वॉशरूम है जो कि इस रूम से भी अटैच मिलता है आपको। दोनों रूम का एक ही वॉशरूम है ये। इस तरीके का साइज मिलता है, काम सारा पुराना है, बट इस तरीके का आपको साइज मिलने वाला है। दैट इज योर बेडरूम साइज, ऑलमोस्ट 11x12 के आसपास का साइज होगा। यहाँ पर आपको यू कैन मेक इट योर ऑफिस डेस्क और स्टडी टेबल जैसा भी आप यूज कर सकते हैं। बेडरूम स्पेस के लिए स्पेस दिया गया है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ मिलती है आपको एक और बालकनी स्पेस जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है। ये आ जाता है दोस्तों, ये आपको बगल में सनसुद्धा सोसाइटी है। इस सोसाइटी का कुछ ओवरव्यू है। सामने आपको रोड मिलता है मेन रोड फेसिंग, और सामने आपको मिलता है आपका पार्क फेसिंग।
तो इस तरीके से ये अभी शेड लगाया हुआ है, नहीं तो अच्छी खासी धूप इसमें आपको मिलती है, मतलब धूप आपको पूरे दिन की इसमें फ्लैट में मिलने वाली है। बालकनी इसमें इस वाली बालकनी पे जाती हुई धूप पे, जो आपकी बड़ी वाली बालकनी है, बट ऑल दो पूरे फ्लैट में आपको धूप इसमें मिल जाती है। इसका डिमांड है दोस्तों 2,32,00,000 रुपये का, जो कि नेगोशिएबल है। आप आइए, पसंद कीजिए, इसमें आपको बहुत अच्छी डील देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।